हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स सेशन। आप लोगों का बहुत ही स्वागत है हमारे कॉमर्स सेशन चैनल के अंदर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, हम लोग ने आने वाले बी कॉम और एम कॉम एंट्रेंस के लिए अपनी क्लासेस को स्टार्ट किए हैं एंड जिसके साथ हम लोग अपने वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। एंड जो आज का जो हम लोग का वीडियो है वो है मनी बैंकिंग के ऊपर। ये जो मनी बैंकिंग टॉपिक है ये आपके बी कॉम एंट्रेंस और एम कॉम एंट्रेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड वो लोग जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बी कॉम या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं एम कॉम, उनकी भी ये इंपॉर्टेंट है। वो चाहे तो अपने ग्रेजुएशन के भी इसको पढ़ सकते हैं, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके ये बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस के ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज। एंड जो ये दोस्तों का वीडियो है ये हम लोग का पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि टाइप्स ऑफ बैंक, कितने टाइप्स के बैंक होते हैं, ठीक है। एंड आज के जो हम लोग का वीडियो है वो है फंक्शंस ऑफ बैंक के ऊपर। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत आसान है बट जब क्वेश्चन आता है तो नॉर्मल लोगों को ये बात पता नहीं होती कि कौन सा प्राइमरी फंक्शन है, कौन सा सेकेंडरी फंक्शन है एंड कौन सा डेवलपमेंट फंक्शन है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे कि इनमें से कौन से फंक्शन है बैंक के एंड किस टाइप के फंक्शन है, मतलब कि कौन सा प्राइमरी फंक्शन के अंदर आता है, कौन सा सेकेंडरी फंक्शन के आता है एंड इस फंक्शन का मतलब क्या होता है। कहने का मतलब है जिस भी टॉपिक को पढ़िए उसको इतना अच्छे से पढ़िए कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो होगा वो मौका होगा पार्ट थर्ड, जिसके अंदर हम लोग बैंक के बैलेंस शीट की बात करेंगे जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अपने वीडियो के ऊपर आते हैं। हम लोग का वीडियो आज का है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक या फिर बैंक के हम लोग के फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग के फंक्शन तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड अपना आता है डेवलपमेंट फंक्शन, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड डेवलपमेंट फंक्शन। तो पहले डिस्कस करते हैं प्राइमरी फंक्शन के बारे में, मतलब कि बैंक का प्राइमरी सबसे पहला काम क्या होता है। तो सबसे पहला काम होता है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। बैंक जो है जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक होती है आम जनता, उनसे पैसा अपने यहाँ डिपॉजिट करवाती है। डिपॉजिट कैसे करवाती है, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, फिक्स अकाउंट में। तो बैंक के पास बहुत सारे अकाउंट होते हैं जिनमें वो क्या करती है, लोगों से पैसे को डिपॉजिट को एक्सेप्ट करवाती है। तो बैंक का ये प्राइमरी फंक्शन है। दूसरा देखते हैं हम लोग एडवांसिंग ऑफ लोन, मतलब बैंक जो है लोगों को लोन देती है। अब लोन बैंक को देती है कैश क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट, ठीक है। बैंक जो है लोन दो तरह से देती है, या तो कैश क्रेडिट या तो फिर ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब है कैश, मतलब बैंक ने कैश में क्रेडिट प्रोवाइड करवा दिया, या फिर बैंक ने एक होती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब ये क्या होती है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है ये बैंक अपने करंट अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड करती है। करंट अकाउंट होल्डर वो होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं। बिजनेसमैन बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट खुलवाते हैं क्योंकि करंट अकाउंट में वो हर एक दिन में 15 20 50 60 जितनी बार चाहे पैसा डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। बट सेविंग अकाउंट में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। तो बैंक क्या होता है अपने करंट अकाउंट होल्डर को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसमें अगर उनके अकाउंट में पैसा नहीं भी होगा तो वो लोग अपने कुछ लिमिट तक पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं एंड उसके ऊपर बैंक उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये होता है बैंक लोन देने का तरीका। बैंक ने सीधे लोन दे दिया, कैश क्रेडिट मतलब कैश उधार में दे दिया, या तो बैंक ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड कैश का क्रेडिट बैंक ने दे दिया, ठीक है दोस्तों। ये क्या बोलते हैं। और दोस्तों हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो इसका पूरा पीडीएफ नोट विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, सबका सब कुछ, ठीक है, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। आप लोग चाहें तो वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग जाएंगे आराम से वहाँ पूरा पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और आप वहां से उसके हिसाब से आप लोग देख के लिख सकते हैं बिना किसी टेंशन के, ठीक है। तो बैंक का पहला काम होता है प्राइमरी फंक्शन के अंदर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। दूसरा काम होता है एडवांसिंग ऑफ लोन, वो भी दो तरह से, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है वो क्या होती मैंने आपको बता दिया, या फिर कैश में क्रेडिट देता है। तीसरा आता है क्रेडिट क्रिएशन। ये आपने अपने क्लास 12th में अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अच्छे से पढ़ा होगा, अपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा अगर आप बीकॉम कर चुके हो, एमकॉम एंट्रेंस की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये होता क्या है, बैंक पैसे की मदद से पैसा बनाता है, ठीक है, क्रेडिट को क्रिएट करता है। तो ज़्यादा इसके आपको इसके ऊपर डिस्कस नहीं करना है, जब हम लोग क्या बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको क्रेडिट क्रिएशन बता दूंगा। यहाँ बस आपको इतना समझना है कि क्रेडिट क्रिएशन मतलब बैंक पैसे से पैसे को बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने बैंक में पैसा जमा किया तो
तो बैंक ने उस पैसे का कुछ परसेंटेज CIR जो होता है अपने पास रखा एंड बाकी पैसे को लोन दे दिया। बस अभी यहाँ पे आप इतना समझिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको केवल फंक्शन से मतलब है। तो भैया प्राइमरी फंक्शन के अंदर तीन फंक्शन आते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट डिफरेंट अकाउंट्स में, दूसरा एडवांसिंग ऑफ लोन भैया दो तरह से, कैश क्रेडिट या तो ओवरड्राफ्ट, उसके बाद क्रेडिट क्रिएशन पैसे से पैसे को क्रिएट करना। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी फंक्शन के ऊपर। अब ये क्या होता है दोस्तों, इसको इसे याद रखिए क्योंकि एग्जाम पूछता है विच इज दी प्राइमरी फंक्शन, विच इज दी सेकेंडरी फंक्शन, विच इज दी जनरल यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको अंदर के पॉइंट्स को अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं सेकेंडरी फंक्शन के अंदर, एक होता है एजेंसी फंक्शन, एक होता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन या फिर सर्विसेज कह सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन के अंदर आता है दो फंक्शन, एक होता है एजेंसी फंक्शन, एक होता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो एजेंसी फंक्शन के अंदर कितने फंक्शन आते हैं बैंक के, मतलब बैंक के काम क्या क्या होते हैं, तो देखिए पहला होता है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। बैंक जो है कस्टमर के बिहाफ पे बहुत सारे आइटम को कलेक्ट करवा पेमेंट करता है, जैसे कि बैंक टैक्स भी कलेक्ट करता है, बैंक इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कलेक्ट करता है, बैंक पेमेंट भी करता है अपने कस्टमर के बिहाफ पे, तो ये भी बैंक का एक काम है। दूसरा परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, बैंक जो है इंडिया के अंदर जितनी भी सिक्योरिटी है, शेयर डिबेंचर बॉन्ड म्यूचुअल फंड सब कुछ खरीदता है बेचता है कस्टमर के एडवाइस पे और खुद भी प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, बैंक जो है एज अ ट्रस्टी भी काम करता है, मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है आपने बैंक को ट्रस्टी बना दिया तो बैंक एज अ ट्रस्टी भी काम करता है, मतलब पूरी उसकी जिम्मेदारी बैंक की अब हो जाएगी। जब बैंक क्या बोलते हैं लोन देता है, क्या बोलते हैं पब्लिक को, तो होता क्या है कि उनकी प्रॉपर्टी गिरवी रखी होती है बैंक के पास, तो बैंक उनका ट्रस्टी बना होता है उस समय, ठीक है। उसके बाद आता है रेमिटेंस ऑफ मनी, अब रेमिटिंग ऑफ मनी भी इसको हम लोग कहते हैं, ये क्या होता है मतलब कि बैंक ड्राफ्ट, जब भी जैसे कि मान लीजिए कि आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, जैसे कि बनारस यूनिवर्सिटी को बीकॉम एंट्रेंस करवाना है, तो उसके ये वो फॉर्म निकालता है। अब जब फॉर्म निकालता है तो फॉर्म का पेमेंट होता है, तो कुछ बैंक कहते हैं कि भैया आपको क्या बोलते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी कहती है आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, बैंक ड्राफ्ट इलाहाबाद का HDFC का, ठीक है। तो उस केस में उस यूनिवर्सिटी के ये वो जो बैंक है पैसे को कलेक्ट कर रहा है, किसकी मदद से, बैंक ड्राफ्ट की मदद से, क्योंकि उसको यूनिवर्सिटी को बीकॉम एंट्रेंस का जो एडमिशन फॉर्म है उसका पैसा चाहिए, अब पैसा कैसे मिलेगा, तो उसने क्या किया बैंक ड्राफ्ट की मदद से क्या किया, लोगों से पैसा इकट्ठा किया एंड वो उस यूनिवर्सिटी को पैसा पहुंचा दिया। तो ये भी एक तरह का होता है, इसको हम लोग कहते हैं रेमिटेंस ऑफ मनी, इसका वर्ड थोड़ा टेक्निकल है, सिंपल भाषा में बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, DD जिसको हम कहते हैं, डिमांड ड्राफ्ट भी कह सकते हैं। अब आता है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी, अगर किसी अदर कंट्री का शेयर डिबेंचर बॉन्ड खरीदना है तो बैंक ये भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद लेटर ऑफ रेफरेंस, अब ये क्या होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक पोजीशन टू कस्टमर एंड ट्रेडर एंड अदर पर्सन, भैया हमारी इकोनॉमी की पोजीशन क्या है, मतलब हमारी इकोनॉमी की पोजीशन क्या है, इन्फ्लेशन है कि डिफ्लेशन है, सारी चीजें ये बैंक कस्टमर को अपने और ट्रेडर को जो बिजनेसमैन है एंड अदर पर्सन जो भी इंटरेस्टेड है उनको प्रोवाइड करवाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सेकेंडरी फंक्शन के अंदर आपका है एजेंसी फंक्शन, ठीक है, एज एजेंट काम करता है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपका सेकेंडरी फंक्शन हो गया है, आपके सेकेंडरी फंक्शन के अंदर एजेंसी फंक्शन है, इसके अंदर आपके 5 फंक्शन है, ये सब के सब कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने सेकेंड जनरल यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर, फंक्शन के अंदर क्या है ये देखिए, सबसे पहले आपको बैंक लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, भैया आप अपने ऑर्नामेंट्स हो गए सोना चांदी पैसा आप जाके बैंक में लॉकर में भी रख सकते हैं, बैंक इसके लिए आपसे फीस चार्ज करते हैं। उसके बाद ट्रैवल चेक, कहीं आप घूमने जाते हैं आपका वहां बैंक काम नहीं कर रहा तो आपको बैंक ट्रैवल चेक देता है कि वहां पे आप उस चेक को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट, जब भी भैया इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, तो भैया जब पेमेंट करने की दिक्कत आती है तो बैंक एज ए गारंटी काम करता है एंड LOC लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करता है, जिससे कि जिसको पेमेंट लेना है या फिर पेमेंट देना है उसको ये गारंटी हो जाती है कि हाँ भैया मेरा पेमेंट कहीं अटकेगा नहीं। सिंपल भाषा में मैं यहाँ का बिजनेसमैन हूँ और क्या बोलते हैं मुझे क्या बोलते हैं कुछ सामान बाहर बेचना है, तो मैं जिसको मुझे बेचना है तो उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, मैंने कहा नहीं मुझे विश्वास नहीं है, वो क्या करेगा अपने बैंक से एक तो LOC लेटर ऑफ क्रेडिट IC क्रेडिट कहते हैं जिसको, ये कि आएगा मुझे दे देगा और वो उसका जो बैंक है वो मेरे बैंक से या फिर इंडिया के किसी बैंक से क्या करेगा कॉन्टैक्ट करेगा एंड उसके कॉन्टैक्ट करने के बाद वो अपना IC क्रिएट करेगा और मुझे जाके दे देगा, इससे मुझे ये विश्वास हो जाएगा कि मेरा पैसा कहीं अटकेगा नहीं। तो बैंक ये भी काम करता है, IC क्रेडिट सर्टिफिकेट भी इशू करता है।
ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर में होता है वैसे। उसके बाद बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, भैया बिजनेस की इंफॉर्मेशन कि आज के टाइम में बिजनेस में क्या चल रहा है, एंड स्टैटिस्टिक्स कि कितने बिजनेस लॉस में जा रहे हैं, कितने बिजनेस प्रॉफिट में जा रहे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आते हैं हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। कभी कभी बैंक आपको गुड्स ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवा के या फिर अदर फैसिलिटी प्रोवाइड करवा के आपको बैंक मदद करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन के अंदर दो थे, एजेंसी फंक्शन एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शन या फिर सर्विसेज कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आता है आखिरी में आपका डेवलपमेंट फंक्शन, ये तीसरा फंक्शन है। बाजन आपसे पूछ दिया कि डेवलपमेंट फंक्शन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स में डी कहता है। अब ये म्यूचुअल फंड क्या होता है इसको डिटेल में हम लोग आगे के कैसे समझेंगे जब इसका टॉपिक आएगा। ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस मतलब कि भैया घर के लिए भी लोन देता है बैंक। ठीक है, लीजिंग फैसिलिटी, अगर आपको कोई सामान लीज पे लेना है, उधार या किराए पे लेना है, तो भी आप बैंक की मदद से ले सकते हैं। ठीक, लोन टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अगर कोई सोसाइटी का वीकर सेक्शन है बैंक उनको लोन प्रोवाइड करता है एकदम मिनिमम इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ये भी बैंक का एक डेवलपमेंट का फंक्शन। आपने कहा, आप लोग सोच रहे होंगे कि बैंक तो लोन देता ही है, लोन तो यहाँ का फंक्शन है। भैया डेवलपमेंट, अपने इंडिया का डेवलपमेंट करने के लिए क्या होते हुई है कि अपने वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करना, उठाना, इसके लिए बैंक अगर लोन देता है वीकर सेक्शन को तो उसको हम लोग डेवलपमेंट फंक्शन मानते हैं, क्योंकि भैया उसके कारण हमारा वीकर सेक्शन डेवलप होगा और वो डेवलप होगा तो हमारी इकोनॉमी भी मजबूत होगी। ठीक है, अब आते हैं इंटरमीडिएट इन कैपिटल मार्केट। भैया मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिक्योरिटी खरीदता भी है बेचता भी है, इसके कारण कैपिटल फॉर्मेशन होता है, मतलब पैसे से पैसा बनता है, तो भैया एज अ इंटरमीडिएट भी बैंक काम करता है आपका। ठीक है, तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि आपके प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड क्या बोलते हैं आपके डेवलपमेंट फंक्शन, तीनों आपने यहाँ पे समझ लिए एंड इसके अंदर कितने पॉइंट्स आते हैं। सिंपल है, अगर आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए एंड फ्री में डाउनलोड कीजिए, एंड साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर पेपर ऑल इंडिया बी कॉम का हो गया या एम कॉम का हो गया या किसी भी यूनिवर्सिटी का आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी का पेपर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी आपको वो पेपर भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा, आप लोग कमेंट करते हैं तो उससे हम लोग मोटिवेट होकर इससे भी अच्छा वीडियो आपको बहुत जल्दी लेके आएंगे। ठीक दोस्तों, एंड हाँ आपसे मैं एक बात करना भूल गया कि इसके बाद क्या बोलते हैं अपना आएगा पार्ट थर्ड, जिसके अंदर बैंक के बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो पार्ट में आप वीडियो देखिए जिससे आपका पूरा बीकॉम एंट्रेंस अच्छे से होगा एंड आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।